हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एसी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के लिए घटना चक्र 2 सीरीज से प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, और ये हमारा समान हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 3 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस नंबर 2 तक हिंदी और प्रैक्टिस नंबर 2 तक जीके हमारा हो चुका है। जिन लोगों का छूट गया है दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं अब तक, सभी के मैंने प्ले लिस्ट बना दिए हैं जूनियर स्ट्रीम के नाम से। आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सारा कवर कर सकते हैं दिन में। और डेली सुबह 10 बजे समान हिंदी और रात 8 बजे आपको सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप यूपी ट्रिपल एसी द्वारा आई जूनियर स्टेट परीक्षा के लिए सीरियस हैं और उसको आप लोग क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ खर्चा करने की जरूरत है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो देखिए, एल्बो पब्लिकेशन की तरफ से लास्ट डेज प्रिपरेशन नोट्स के नाम से इसको पब्लिश किया गया है। इसमें आपको 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो अति संभावित है 2019 के जूनियर स्टेट परीक्षा में। तो अगर आप इनको अंतिम समय में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, 23 मॉक टेस्ट दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया, और ये बायलैंगुअल बुक है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में दिए गए हैं। तो मैं हाईली अपने छात्रों को रिकमेंड करता हूँ कि इस नोट्स को जरूर परचेज करें। 59 रुपीज़ कुछ भी नहीं है जूनियर स्टेट जैसे सी ग्रेड एग्जाम के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस बुक का, जाइए जल्दी से खरीद लीजिए। जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बुक को जल्दी से परचेज करके अपनी तैयारी को एक अंतिम दिशा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। साथ साथ आप लोग आंसर करते जाइएगा 4 का ए बी सी डी इस तरीके से, और वीडियो के अंदर बताना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इनमें से कौन सा शब्दालंकार है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा शब्दालंकार है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, तो आप लोग कमेंट में 4 लिखेंगे डॉट ए बी सी डी जो आपका ऑप्शन रहेगा, ऐसे लिखते जाएंगे सभी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी सही दोस्तों, उपमा अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आप सभी छात्रों को देना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कायम दोस्तों 1000 लाइक कायम रखें दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा है, आप सभी लोग पूरा जरूर करेंगे दोस्तों। अगर पसंद आएगा तो इससे भी ज़्यादा आप लोग करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर से दोस्तों, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यही इसका अर्थ होता है, ठीक है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स लाइक ग्रीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पंकज जलज आदि प्रकार के आदि किस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5-6 का उत्तर देना है आपको, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी से है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आप लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है, जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, यानी कि जिसमें ऐसा वर्ग बताइए जिसमें सभी वर्ण महाप्राण वर्ण हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन ए, ख छ और ठ, ये आपके महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ऐसा वर्ण बताएं जो स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष और महाप्राण ध्वनि भी निकलती हो। तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसमें आप लोग इसको पूरा फॉलो करो जरूर करें घटना चक्र का। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी यहां पर से, ये खा, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हैं घटना चक्र टोर सीरीज, तो मैंने लोअर पीसेस के लिए घटना चक्र टोर सीरीज जो आई थी उसको भी मैंने सॉल्व कराया, तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका हिंदी सेक्शन आप सारे वीडियो देख सकते हैं और जीके का सारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। और ये तो आपको करा ही रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दें आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, उप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक का भेद बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दें आप लोग,
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक है। ठीक है, कैसे मिश्र वाक है? मिश्र वाक वे वाक जिनमें एक साधारण वाक हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा वाक हो मिश्र वाक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो पहला वाक होता है वो एक साधारण वाक होता है और उसके बाद में जो वाक होता है वो पहले वाले वाक पर निर्भर करता है या आश्रित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया था, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले वाले वर्ण से जो पहले वाला वाक्य दिया गया इसे संबंधित इसी पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, मिश्र वाक कहलाएगा ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, सर्प मेंढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी छात्र कॉमेंट करेंगे और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिया हुआ बेल आइकन को कर लें, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, हरी। क्या है, क्या है हरी? देखिए, सर्प मेंढक सिंह घोड़ा वानर आदि इन हाथी इंद्र विष्णु चंद्र पृथ्वीपति पृथ्वीनाथ त्रिलोकनाथ लक्ष्मीपति आदि को समझाने वाला शब्द हरि है, अतः सभी हरि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग समझ में आ गए ना आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर दें आप लोग। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही दोस्तों, गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है रेखांकित पद का भेद बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए, जो रेखांकित अत्यंत दिया गया इसका भेद आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, परिविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण है। कैसे है आपको बताता हूँ, देखिए 14 नंबर में देखिए, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ अर्चना जो है ये संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है सुंदर। ठीक है, अतः सुंदर विशेषण शब्द है और विशेषण सुंदर अर्चना की विशेषता बता रहा है, अतः अर्चना जो है वे विशेष है। आपको पता है विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको विशेष कहते हैं और जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, बता रहा है अतः अर्चना विशेष है और सुंदर विशेषण की विशेषता अत्यंत है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आई होप आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए 14 नंबर में ये कहा जा रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो रेखांकित शब्द में क्या है, तो यहाँ पर मैंने आंसर बताया कि प्राविशेषण है। यहाँ पर अब प्राविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता की विशेषता बताती हो। ठीक है, तो यहाँ पर अर्चना जो है, अर्चना सुंदर है, तो अर्चना की विशेषता क्या है कि अर्चना सुंदर है। अब अर्चना सुंदर है तो उसकी सुंदर की भी विशेषता बताइए कि अत्यंत सुंदर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ही उत्तर दे रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही है, दियर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 16 का जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों सीखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या है, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। आई होप आप लोग सभी लोग कमेंट कर रहे होंगे आंसर, जात रूप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, यहाँ पर निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ें और एक सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जीवन क्षण भंगुर है और व्यर्थ नष्ट ना करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का आपदान कारक में बहुवचन रूप होगा, 19 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किन्हीं से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर सभी छात्र करेंगे।
देखिए यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों प्रति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं पत्र लेखन से। मैं स्पेशली वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पत्र लेखन से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हिंदी एवं पत्र लेखन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, लेखन योग्यता ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर लेखन योग्यता से मतलब ये नहीं है कि आपको राइटिंग के लिए कुछ दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन टाइप का, ऐसा कुछ नहीं, आपको पत्र से संबंधित यहाँ पर कुछ बताना होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा दोस्तों, परिपत्र उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दें, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 22 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी से दोस्तों, बेशर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे क्या, बताना है 23 का सही उत्तर आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर से दोस्तों प्रिय मित्र लिखेंगे संबोधन में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है 24 का सही उत्तर दीजिए सभी छात्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, वेरी गुड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट जो है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। देखिए 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, वेरी गुड, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रद्धा राम फुल्लोरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए अत्युक्त शब्द में संधि है, 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कौन सा कथन असत्य या गलत है, बताना है 27 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी से ये, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए ड्राइनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ का अर्थ है, बताना है 28 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से ही हो जाएगा दोस्तों, डूबते को तिनका का सहारा, ठीक है, ये एडमसन फ्रेज में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। आहट आहट आवट आस आदि इस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, 29 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो 29 का कौन सा सही उत्तर जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, पुल्लिंग वाचक शब्द आपको छांटना है, 30 का राइट आंसर, ठीक है। अभी कुछ लोगों को शायद पुल्लिंग वाचक नहीं पता होगा कि पुल्लिंग वाचक क्या होता है, तो देखिए 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है, कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे यहाँ पर आया है। देखिए 30 का जो आप डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो आपको कैमरा जो शब्द है वो पुल्लिंग वाचक है यहाँ पर, ठीक है। तो वाचक उसी कहते हैं जो आपका जैसे कैमरा हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें जो गैजेट्स रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाचक हो जाएगा जो पुल्लिंग में आता हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए हथियाना, ठीक है, क्या हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, 31 का राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, 31 का राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ही हो जाएगा दोस्तों, नाम धातु क्रिया है, ठीक है, क्या है, नाम धातु क्रिया है आपका 31 का। देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, ये आपके नाम धातु क्रिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य या शब्द तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, बताना है 33 का राइट आंसर सभी को। देखिए 33 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, कर्ता विस्तार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। भाववाचक छाटी, इन शब्दों में से इन वाक्यों में कौन सा भाववाचक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर,
क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी से दोस्तों, तोते से उड़ा नहीं गया। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपको पसंद आ रहा हो। 35 नंबर है, देखिए लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर। जी हाँ, 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से दोस्तों, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। 36 का राइट आंसर दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 36 नंबर का राइट आंसर देना है आप सभी को। तो 36 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर से दोस्तों, अचेतन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है आपको बताना है, 37 नंबर का सही उत्तर देना है। वेरी गुड, 37 का राइट आंसर देना है। तो 37 का यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने आप लोग, 38 का राइट आंसर दें आप लोग। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, संभाव्य भविष्यत। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, सॉरी 39 का राइट आंसर, 39 नंबर का राइट आंसर क्या है, 39 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, 3-13 होना, संगठित होना, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या दिया गया है देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 3-13 का अर्थ हो जाएगा अस्त व्यस्त होना, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो गलत था। अगला है 40 नंबर, देखिए संख्यागमन क्या है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। देखिए 40 नंबर का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही दोस्तों, सखी धन आगमन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वह कौन सा अलंकार होगा, आपका 41 का राइट आंसर देना है यहाँ पर। जी हाँ, 41 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थांतरनाश। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएं 42 का सही उत्तर। 42 नंबर का राइट आंसर क्या है जल्दी जल्दी करें, 42 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पर, स्वेदित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, देखिए किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, 43 नंबर का सही उत्तर। 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, डी स्थाई भाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, आपको 44 नंबर का सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही, रविंद्रनाथ टैगोर ने, यार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, 45 का सही उत्तर देना है सभी को। देखिए 45 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, आपको बताना है, 46 का सही उत्तर, याचना जो शब्द दिया गया इसका बहुवचन आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी सही है, याचना ही रहेगा आपका बहुवचन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, 47 का राइट आंसर दें आप लोग। सैंतालीस का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी से ही यहाँ पर, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, नेचुरल जस्टिस क्या है, नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है, 48 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन थे दोस्तों, नैसर्गिक न्याय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, ग्रहवा विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ है, 49 का राइट आंसर।
तो यहाँ पर 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए से हो जाएगा, मॉरिसर पोर्ट लुइस में। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अपरिहार का अंग्रेजी प्राय क्या है, अपरिहार जो है इसका अंग्रेजी प्राय क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी जल्दी 50 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो यहाँ पर एल्बो पब्लिकेशन की तरफ से जो लास्ट डेज प्रिपरेशन नोट तैयार किया गया है फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2019 के लिए, जिसकी कीमत मात्र 59 रुपीज़, जी हाँ 59 रुपये का मात्र ये बुक आपको मिल रहा है, जो आपके अंतिम दिनों में तैयारी करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसमें 400 से ज़्यादा पेजेस हैं और इसमें आपको 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के देखते हुए, ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड दिए गए हैं जो कि आने वाले हैं आपके परीक्षा में संभावित हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे, इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। इतना नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट, 23 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों छात्र पढ़ सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। 59 रुपीज़ कुछ भी नहीं है आपके करियर के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको जाइए जल्दी से खरीदिए इस नोट्स को और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है, लिंक नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जाके नोट्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो जाइए जल्दी से खरीदिए, और 50 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, इसका राइट आंसर आपको मैं कल आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं। तो आज हमारे साथ 7 बजे 8 बजे हम आपको जीके का प्रोवाइड कर देंगे, अपलोड कर देंगे वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जिन लोगों को छूट गया वो प्लेलिस्ट में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लोअर पीसी के लिए जो घटना चक्र टो सीरीज कराया था हिंदी और जीके का सेक्शन देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें दोस्तों, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट सेशन शाम 7 बजे।